क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 8 8, फिर 8 8 8, फिर 4 बार 8, ऐसे चलता जा रहा है। इस सीक्वेंस का इन्होंने सम बोला। देखो ये जो कैटेगरी है ना, वो जीपी की है ना ही वो एपी की है, इसी की सीरीज को बोलते हैं स्पेशल सीरीज। बात समझ में आ गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा है इसको, तो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक कर लो इसको, एग्जाम में काफी आता है। तो इसे बोलते हैं स्पेशल कैटेगरीज का क्वेश्चन है, स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे होगा? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी और सॉल्यूशन इसी तरीके से होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब जो कैसे होगा ये वो मैं करवा देता हूँ आपको। तो मैंने कहा आपको सीरीज गिवन है और इसका निकालना है आपको सम, यानी एस एन निकालना है आपको। तो कैसे निकलेगा? सीरीज है 8 8 8 8 8, फिर ऐसे 4 बार 8 और सो ऑन, ऐसे 5 बार 6 बार चलता रहा होगा, लास्ट में कभी ना कभी एन टर्म तक। बोलो कोई दिक्कत? तो मैंने इसको ये बोल दिया। अब इसमें ट्रिक क्या अपनानी पड़ती है बॉस? मैंने बोला इस पूरी सीरीज को आपको क्या करना है। मैंने कहा इसको करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। मैंने कहा पूरी सीरीज से 8 कॉमन ले लो। जब 8 कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1, यहां पर 1 1, यहां पर 1 1 1, यहां पर 1 1 1 1, और सो ऑन चलता जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? एंड टर्म तक। तो मैंने कहा क्या मैं इस सीरीज को, समझना मेरी बात, मैं 9 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं और 9 से डिवाइड करा रहा हूं। बात समझ में आ गई? अगर मैं इस सीरीज को काट दूं 9 से 9, तो क्वेश्चन देखो वही है जो मैं लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं जब कर रहा हूं तो मैं काटने के लिए तो कर नहीं रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। मैंने कहा इस सीरीज को बैलेंस कराया मैंने, और बैलेंस कैसे कराया दोस्त? मैंने 9 से मल्टीप्लाई करवाया और 9 से डिवाइड करवाया और वही सीरीज लिख दी। देखो अगर मैं 9 से 9 काट दूं तो क्वेश्चन मेरा वही है जो ऊपर था, तो कर सकता हूं मैं ऐसे, लेकिन मैंने काटना नहीं है, काटने के लिए नहीं लगाया मैंने ऐसे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या करा, 9 को पूरी सीरीज से इंटू करा, तो बाहर क्या आ गया 8 बाई 9, तो यहाँ आएगा 9 9 9 9 9 9, फिर 9 9 9 9, और प्लस डॉट डॉट, कोई दिक्कत, ऐसे चलता जाएगा काम। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? तो अब मैंने बोला आगे समझो, तो 8 बाई 9 एज इट इज, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं 10 का स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 10 का क्यूब माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 माइनस 1, और ऐसे सो ऑन चलता गया होगा एंड टर्म तक। बोलो कोई दिक्कत? तो ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा, इससे मैं कुछ काम करूंगा। आप देखो 10 में से 1 जाएगा 9, 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 में से 1 जाएगा 99, 10 का क्यूब यानी 1000, 1000 में से 1 जाएगा 999, इधर से करोगे 10000, 10000 में से जाएगा तो 9999। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया मेरी बात? तो मैंने काम कर लिया पूरा का पूरा, दो सीरीज बनाऊंगा। देखो कैसे, समझना है ना वो? तो मैंने बोला 8 बाई 9, यहां पर 10 वालों से मैंने एक सीरीज बनाई। मैंने क्या बनाया, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, फिर ऐसे 10 की पावर 4, और ऐसे चलता गया होगा एंड टर्म तक। अब माइनस एक, ये तो सेम ही चल रहा है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट एन टर्म तक जा रहा है, कोई दिक्कत? और मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 10-10 वाली सीरीज बना दी, ये बन गई, और एक माइनस कॉमन लेकर 1-1 वाली सीरीज बना दी। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस इंटू करा तो पूरा वही बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या करा, ये वाली सीरीज तो आपको देखने में लग गई होगी क्या है, ये जीपी बन गया होगा। अब तो देखो हर जगह आर सेम आ रहा है, तो जीपी है ये वाला, नॉर्मल सीरीज चलती जा रही है। तो इसको मैं क्या करूंगा वो समझना। तो पहले मैंने बोला ये अगर जीपी बन गया तो इसमें ए कितना है 10, आर कितना है 10, क्योंकि A2 by A1, तो आर आपका 10 ही निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला आर 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला सीधा वाला, क्योंकि अपने को सम निकालना है। तो मैंने कहा 8 बाई 9, सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, कोई दिक्कत? फिर माइनस ये वाली सीरीज जा रही है आपकी एन टर्म तक, तो मैंने बोला एन, एक को एन से इंटू कराएंगे तो क्या आएगा, एन ही आएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब मैंने बोला बॉस इतना काम तो हो चुका है, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करो। तो 8 बाई 9, यहां पर ए की वैल्यू है आपकी 10, 10 की पावर एन मालूम नहीं, एन टर्म तक जा रही है सीरीज, क्योंकि 1 अपॉन में 10 में से 1 जाएगा तो आएगा 9, यहां आएगा आपका एन। बोलो कोई दिक्कत? अब मेरी बात समझो, मैंने कहा यहां कर दे रहा हूं मैं, तो विच इंप्लाइज, यहां पर मैंने बोला 8 बाई 9, देखो बॉस
दस अपॉन में नाइन और यहां पर आ जाएगा 10^(n-1). अगर आप एलसीएम लोगे तो 9n हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा छोड़ो बात समझ आ गई, तो मैंने बोला इसको मैंने ऐसे लिखा। अब आप ये 8/9 दोनों के पास है, इससे भी इंटू होगा, इसके भी इंटू होगा, तो इंटू करा दो और आपका रिजल्ट बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, तो इंटू कराया तो कितना आएगा, 8 10 जा 80 9 9 जा 81, और इंटू में आएगा 10^(n-1), इसको आगे इंटू कराओ तो कितना आएगा, 8n/9। कोई दिक्कत, तो ये आपका इस सीरीज के सम का आंसर ये होगा। बात समझ में आती है क्या? आप यहीं तक ही छोड़कर आएंगे, क्लियर है? फटाफट से इसका फोटो ले लो।